हाय एवरीवन, दिस इज अफरीन फ्रॉम वीआरआर ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके एग्जांपल्स देखे हैं। आज के क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये आज के क्लास में हम देखेंगे। उसके पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास है नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने इसके पहले का वीडियो और इसके पहले का लेसन देखेंगे तो उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बोला है। तो हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस में मोस्टली पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव को अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, मोस्टली पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हमने लिया है। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई ड्रिंक मिल्क बिफोर आई स्लीप इन द नाइट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ऐसे सब पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मगर हमारे लाइफ में हर रोज़ जो भी हो रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त पॉजिटिव ही होता है, जितना इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव है उतना ही इम्पॉर्टेंट नेगेटिव भी होता है। तो हम जो भी करते हैं या कहते हैं उसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीज़ें भी होते हैं। तो अब हम इस क्लास में उन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन करना, कुछ सवाल करना, इंटरोगेटिव इंटरोगेशन मतलब कुछ सवाल करना। हम डेली लाइफ में कुछ लोगों से कुछ सवाल करते हैं, जो भी हम बात करते हैं उसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो कुछ भी हमसे होता है, जो हम लोग जनरल से बात करते हैं वैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो कुछ भी हमसे नहीं होता, जो हम लोग नहीं कर पाते या कुछ नहीं हो सकता, वैसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और अगर हम कुछ पूछना चाहे तो, कुछ सवाल करना चाहे तो या क्वेश्चन करना चाहे तो वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, जो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं ठीक हूँ, कुछ गलत नहीं, आई एम फाइन मैं ठीक हूँ, जो एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई एम नॉट फाइन मैं ठीक नहीं हूँ, तो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमने आई एम फाइन के बीच में नॉट ऐड किया, जिससे वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आई एम फाइन जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं ठीक हूँ जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एंड आई एम नॉट फाइन मैं ठीक नहीं हूँ, जो एक नेगेटिव सेंटेंस है। सिमिलरली एम आई फाइन यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, एम आई फाइन। तो यहाँ पे देखिए एम पहले आ गया जो एक हेल्पिंग वर्ब है। एम आई फाइन क्या मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं, जो एक क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ। एम आई फाइन क्या मैं ठीक हूँ, तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले वाला है आई एम फाइन मैं ठीक हूँ, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। देन आई एम नॉट फाइन मैं ठीक नहीं हूँ, जो एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, एम आई फाइन क्या मैं ठीक हूँ, जो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं समझती हूँ कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसा होता है, वो फॉर्म कैसा होता है, मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आया। तो चलिए इनको और डीप से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम फर्स्टली
एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट किया जाता है अब हम देखेंगे. टू कन्वर्ट अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव फॉर्म इन ए सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू नॉट और डोंट एंड डज नॉट और डजंट. To convert affirmative or positive sentences into negative form in a simple present tense, we use do not or don't, does not or doesn't. Simple present tense में जब हम लोग एक positive और affirmative sentence को negative में convert करना है तो हम लोग दो चीज़ें use करते हैं. वो क्या है friends? Do not or don't, don't, does not or doesn't. यहाँ पे do not और कैसे स्पेल कर सकते हैं डोंट डज नॉट एंड यहाँ पे कैसा स्पेल कर रहे हैं डजंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डोंट एंड डजंट यूज करते हैं. मगर इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आई यू वी दे सब्जेक्ट आई यू वी दे ये होंगे तो हम लोगों को डोंट यूज करना है. क्या यूज करना है? डोंट. कब? जब आई यू वी दे सब्जेक्ट होते हैं. समझ में आया? नेक्स्ट. एंड अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में ही शी इट जो थर्ड पर्सन है ही शी इट अगर सब्जेक्ट में होंगे तो हम लोगों को डजंट यूज करना है. क्या यूज करना है? Doesn't. तो अगर आई यू वी दे सब्जेक्ट है तो हम लोगों को डोंट यूज करना है. ही शीट है तो सब्जेक्ट में ही शी इट होने से हम लोगों को doesn't यूज करना है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम डोंट एंड doesn't यूज करके एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है सीख लिया है. क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर? क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म और बेस फॉर्म. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इस वर्ब का V1 और प्रेजेंट फॉर्म और बेस फॉर्म. ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. अब हम इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं अब हम देखेंगे. वी यूज डोंट और डजंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. वी यूज डोंट एंड डजंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो हम पॉजिटिव सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डोंट एंड डजंट को कहाँ यूज करना है? इस सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में. कहाँ पे? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में. वी यूज डोंट एंड डजंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. इस स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हम लोगों को डोंट एंड डजंट यूज करना है. तो अब हम ये देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट की जगह आई वी यू दे क्या होना चाहिए? आई वी यू दे प्लस डोंट. यहां पे हम फर्स्टली डोंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट की जगह आई वी यू दे ये चार होंगे तो हम लोगों को डोंट यूज करना है. कहाँ पे? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बिटवीन, बीच में. सो सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब, एक्शन वर्ब जिसका V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म होना चाहिए. क्या है फ्रेंड्स? नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम डोंट यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह आई वी यू दे प्लस डोंट प्लस वर्ब और वर्ब का V1 फॉर्म होना चाहिए. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ईट एन एग जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है. आई ईट एन एग यानी मैं अंडा खाती हूँ.
मैं अंडा खाती हूँ, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोगों को नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाना है? स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आई यू वी दे, आई यू वी दे होंगे तो हम लोग डोंट हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। तो सब्जेक्ट एंड डोंट प्लस वर्ब का वी वन फॉर्म, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आई यू वी दे प्लस डोंट प्लस वर्ब एंड वर्ब का वी वन फॉर्म। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? आई ईट एन एग, यानी मैं अंडा खाती हूँ। तो इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे डोंट ऐड करेंगे, डोंट ऐड करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई, आई यानी मैं, और वर्ब है ईट, ईट यानी खाना, ईट वर्ब। अब हम डोंट को आई एंड ईट के बीच में ऐड करेंगे, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में बिटवीन डोंट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है? आई डोंट ईट एन एग, आई डोंट ईट एन एग, मैं अंडा नहीं खाती हूँ, मैं अंडा नहीं खाती हूँ, जो एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या हुआ है? आई ईट एन एग, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने डोंट को यूज किया। कहाँ पे? आई एंड ईट यानी सब्जेक्ट एंड ईट के बीच में हम लोगों ने डोंट को ऐड किया तो क्या बन गया? आई डोंट ईट एन एग यानी मैं अंडा नहीं खाती हूँ, जो एक नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू रीड वेल, यू रीड वेल, तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम अच्छा पढ़ते हो, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें भी यहाँ पे हमारा यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? यू। रीड यानी पढ़ना वर्ब है। इस सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हम लोगों ने डोंट ऐड किया तो क्या होता है? यू डोंट रीड वेल, यू डोंट रीड वेल, तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो, तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो। तो हम लोगों ने यू, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू एंड वर्ब है रीड यानी पढ़ना, तो इस सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हम लोगों ने डोंट ऐड किया तो बन गए यू डोंट रीड वेल, यू डोंट रीड वेल, तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो, जो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। थर्ड वन, दे प्ले वेल, दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं, वे अच्छा खेलते हैं, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दे, सब्जेक्ट क्या है? दे, एंड वर्ब है प्ले यानी खेलना। दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में डोंट ऐड करना है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दे एंड वर्ब है प्ले यानी खेलना, तो सेंटेंस क्या होता है? दे डोंट प्ले वेल, दे डोंट प्ले वेल, वे अच्छा नहीं खेलते हैं, वे अच्छा नहीं खेलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे एंड वर्ब है खेलना प्ले, तो इस सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डोंट ऐड किया तो सेंटेंस क्या होता है? दे डोंट प्ले वेल, वे अच्छा नहीं खेलते, जो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग डोंट कब यूज़ करते हैं सेंटेंस में? जब सब्जेक्ट होता है आई यू वी दे। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के डोंट के कुछ एग्जाम्पल्स। तो क्या है? वी यूज डोंट और डजंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग डोंट एंड डजंट यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने फर्स्ट केस डोंट के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखा है। और स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट की जगह आई वी यू दे होंगे तो हम लोग डोंट ऐड करते हैं, डोंट के बाद वर्ब वी वन फॉर्म, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हम लोगों ने डोंट ऐड किया, जो एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डजंट, डजंट यूज करके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में हम लोग सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में डजंट ऐड करते हैं।
क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह डजंट यूज करने के लिए हमको ही शी इट, ही शी हिट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के, और वर्ब का वी वन और प्रेजेंट फॉर्म और बेस फॉर्म होना चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ही शी इट, ही शी इट, एंड वर्ब के बीच में हम लोग डजंट यूज करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी लव्स डांस, शी लव्स डांस, उसको डांस बहुत पसंद है, उसको डांस करना बहुत पसंद है, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और लव्स वर्ब है, लव्स वर्ब है। इस सब्जेक्ट एंड इस वर्ब के बीच में हम लोग डजंट यूज करके नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। शी लव्स डांस, उसको डांस करना पसंद है। शी डजंट लव डांस, शी डजंट लव डांस, उसको डांस करना पसंद नहीं। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हम लोगों ने डजंट हेल्पिंग वर्ब ऐड किया, डजंट हेल्पिंग वर्ब ऐड किया। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस में एस है, लव्स में एस है, मगर नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एस नहीं लिखेंगे, वर्ब में एस नहीं लिखेंगे। शी लव्स डांस, शी डजंट लव डांस, शी डजंट लव डांस। नेक्स्ट, ही वॉक्स एवरी इवनिंग, ही वॉक्स एवरी इवनिंग, वो हर शाम चलता है, वॉक करता है। ही वॉक्स एवरी इवनिंग, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, एंड वॉक्स वर्ब है, चलना, वॉक्स वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट एंड इस वर्ब के बीच में हम लोगों ने डजंट यूज किया, तो वो क्या बनता है, ही डजंट वॉक एवरी इवनिंग, वो हर शाम नहीं चलता है, वो हर शाम नहीं चलता है। ही डजंट वॉक एवरी इवनिंग, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में बोला गया है डजंट यूज किए हैं। और यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटेंस में वॉक्स एस है, मगर नेगेटिव सेंटेंस में वी नो नीड टू एड एस, जस्ट वॉक। नेक्स्ट, इट ईट्स फिश, इट ईट्स फिश, वो फिश खाता है या खाती है, वो फिश खाता है। और यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, क्या है, इट सब्जेक्ट है और ईट्स वर्ब है। अब इस सब्जेक्ट एंड इस वर्ब के बीच में हम लोगों ने डजंट ऐड किया, तो वो क्या बनता है, इट डजंट ईट फिश, वो फिश नहीं खाता, वो फिश नहीं खाता। इट ईट्स फिश, वो फिश खाता है, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एंड हम लोग इस पॉजिटिव सेंटेंस में इट सब्जेक्ट है एंड ईट्स वर्ब है, खाना वर्ब, ईट्स वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट एंड इस वर्ब के बीच में हम लोगों ने डजंट हेल्पिंग वर्ब ऐड किया, तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इट ईट्स फिश, इट डजंट ईट फिश। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डोंट एंड डजंट यूज करते हैं। डोंट कब यूज करते हैं फ्रेंड्स, आई यू वी दे, सब्जेक्ट की जगह आई यू वी दे होने से हम लोग डोंट यूज करते हैं। एंड ही शी इट के लिए, ही शी इट के लिए हम लोग सब्जेक्ट में ही शी इट होगा तो हम लोग डजंट यूज करते हैं, डजंट यूज करते हैं। तो अब तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को डोंट एंड डजंट यूज करके कैसे नेगेटिव कन्वर्ट किया गया, ये अब हमने एग्जांपल्स में सीखे हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या है, अगर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो, कुछ सवाल करना चाहे तो, जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, जो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, जो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, वैसे सेंटेंसेस को, जो सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस, वैसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं।
मगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानने के पहले हम लोगों को WH क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है WH क्वेश्चन वर्ड्स? चलिए देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट वन है व्हाट। व्हाट यानी क्या, क्या। नेक्स्ट व्हाई, व्हाई क्यों, क्यों। नेक्स्ट हु, हु कौन, कौन। वेयर कहाँ, वेयर कहाँ। व्हेन, व्हेन कब, कब। विच, विच कौन सा, विच कौन सा। हुम, हुम किसको, किसको। हूज, हूज किसका, किसका। हाउ, हाउ कैसा, कैसा। तो क्या है फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ सवाल या क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट क्या, ठीक है। नेक्स्ट हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ऐसे ये WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या है, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, विच, हुम, हूज, हाउ। हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या है फिर से बोलिए। व्हाट यानी क्या, व्हाई क्यों, हु कौन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, विच कौन सा, हुम किसको, हूज किसका, हाउ कैसा। तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन करना है तो हम फर्स्ट डू और डज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू और डज। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है डू और डज, यानी दोनों में कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, एंड वर्ब, वर्ब यानी एक्शन, और इस वर्ब का V1 और प्रेजेंट और बेस फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और यहाँ पे अगर इस सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह आई यू वी दे, क्या है आई यू वी दे होंगे तो हम डू यूज कर सकते, डू यूज करते हैं। एंड ही शी इट, ही शी इट होंगे तो हम डज यूज कर सकते हैं, डज यूज करते हैं। और सेंटेंस में ये डू एंड डज सामने आ जाते हैं या आगे आ जाते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स, क्या होता है, डू एंड डज सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन करने के लिए डू एंड डज का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दी होंगे तो हम डू यूज करते हैं, ही शी इट होंगे तो हम डज यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहले डू एंड डज यूज करके स्ट्रक्चर कैसा होता है, डू एंड डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब्स है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का V1 फॉर्म क्या है, डू और डज। डू कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट आई यू वी दे, आई यू वी दे होगा तो हम डू यूज करते हैं। और डज कब यूज करते हैं, ही शी इट, सब्जेक्ट की जगह ही शी इट होंगे तो हम डज यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, डू आई कुक फूड, डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाती हूँ, डू आई कुक फूड। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू यूज किया, डू यूज किया जो सेंटेंस के आगे लिखा गया है। मैंने पहले भी बोला था डू एंड डज क्या है, स्ट्रक्चर में देखिए डू एंड डज सेंटेंस में स्टार्टिंग में होते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चन करना। तो डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाती हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है कुक, पकाना वर्ब, और हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू। समझ में आया। नेक्स्ट, डू दे वॉच मूवी,
डू दे वॉच मूवी, क्या वे खेल देखते हैं, क्या वे मूवी देखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट है दे, वॉच यानी वर्ब, वॉच देखना, तो दे सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब डू यूज किए हैं। क्या है? डू, डू दे वॉच मूवी, क्या वे मूवी देखेंगे। नेक्स्ट, डज शी ईट फूड, डज शी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है, डज शी ईट फूड। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, वर्ब खाना, ईट क्या है, खाना, तो शी सब्जेक्ट है, इसलिए शी अगर सब्जेक्ट है तो हम लोग डज यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, आई यू वी, दे के लिए डू, एंड ही शी इट के लिए हम डज यूज करके क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर भी सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही, प्ले वर्ब खेलना, प्ले वर्ब, तो यहां पे ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डज यूज किया है। क्या यूज किया है? डज, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डू एंड डज यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अब तक सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डू डज यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किया जाता है ये हमने देखा है। अब हम डू डज के साथ WH question words यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है ये अब हम देखेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में फर्स्ट होगा, स्टार्टिंग होगा WH वर्ड यानी WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड्स मतलब क्या है फ्रेंड्स? Why, what, who, when, where, यानी कौन, क्या, कब, कैसे, किसका, ऐसे सब है WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग होगा वो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का V1 फॉर्म। तो स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग वर्ड होगा हमारा WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज। यहाँ पे डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। और हम लोग सब्जेक्ट में अगर आई यू वी दे यूज किया जाए तो आई यू वी दे यूज किए तो हम लोग डू यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट होंगे तो ही शी इट होंगे तो डज यूज करेंगे। क्या है फ्रेंड्स? अगर सब्जेक्ट में आई यू वी दे होंगे तो हम डू यूज करेंगे, और अगर ही शी इट होंगे तो हम डज यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं वो है सब्जेक्ट, प्लस वर्ब यानी एक्शन जो काम हो रहा है वर्ब, और उसका V1 फॉर्म WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड उसका V1 फॉर्म। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, Where do you go? Where do you go? तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है you, सब्जेक्ट है you, और जब सब्जेक्ट you होगा तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? Do। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है do, और हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है where यानी कहाँ, और वर्ब है go यानी जाना। Where do you go? तुम कहाँ जाते हो? Next, how do you cook? How do you cook? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है you, you, और अगर सब्जेक्ट you होगा तो हम लोग do यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब do यूज करते हैं, और हमारा WH वर्ड है how, यानी कैसे, how, how do you cook? Cook यानी वर्ब यानी पकाना। How do you cook? तुम कैसे पकाते हो? तुम कैसे पकाते हो? नेक्स्ट, व्हेन डू यू ईट? व्हेन डू यू ईट? तुम कब खाते हो? तुम कब खाते हो? तो इस सेंटेंस में भी हमारा सब्जेक्ट है यू, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डू, एंड हमारा WH वर्ड है
when, कब, एंड हमारा वर्ब है ईट यानी खाना. When do you eat? तुम कब खाते हो. Next, how does he play? How does he play? वह कैसे खेलता है. वह कैसे खेलता है. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है he. He. अगर सब्जेक्ट he होगा तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. Does. Does. तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे he है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया does. और यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड है how. Play यानी वर्ब खेलना. How does he play? वह कैसे खेलता है. Next, where does she live? Where does she live? यहाँ पे सब्जेक्ट है she यानी वह. She. और she सब्जेक्ट होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है फिर से does. Does. तो हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है इस सेंटेंस में where यानी कहाँ. और वर्ब है live यानी रहना. Where does she live? वह कहाँ रहती है. तो सब्जेक्ट she है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब does है और हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे where. तो ये है फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमने डू डस के साथ WH क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज किए हैं. तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किया जाता है ये हमने सीखे हैं.